आई को मेरी कितनी फिक्र है ना, पता है विराट सर, कल जब आई को पता चला ना कि मुझे आलते से एलर्जी है, तो उन्होंने तो बोल दिया, बाड़ा कोई जरूरत नहीं आलता लगाने की। और देखिए मेरे लिए आज बेकिंग सोडा भी भेज दिया, कितनी प्यारी है आई। आप बहुत लकी हैं कि वो आपकी आई है। बहुत प्यार करती हो ना मेरी आई से? और इस घर में आने के बाद मैं किसी और से भी प्यार करने लगी हूँ। किससे? दिव्या नीताई से। क्यों, आपको क्या लगा? कुछ नहीं, मुझे भी देवीताई लगी। देवीताई बहुत प्यारी है और मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत कुछ झेला है। वैसे इस घर में ऐसा कोई और भी है जिससे तुम प्यार करती हो? नहीं, इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे प्यार किया जा सके। मुझसे भी नहीं। लेकिन आपके सपनों में। अब अगर भाव खा लिया तो थोड़ा खाना भी खा लोगी? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। एक तो मुझे पढ़ाई करनी है और दूसरा मैं इतनी रात को खाना नहीं खाती। हाँ तो आज खा लो ना। नहीं, खाना खा लिया तो फिर मुझे नींद आ जाएगी ना। चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अच्छा, क्या करेंगे? नाचूंगा। सही, तुम खाना खा रही हो या मैं नाचना शुरू करूं? ओहो, मुझे पढ़ाई करने दीजिए। जब मैं पढ़ाई करती थी तो आवा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। खाने का खाना, पढ़ाई की पढ़ाई। और आपको पता है विराट सर, जब मैं पढ़ाई करते करते सो जाती थी ना तो आप मुझे उठाकर खाना खिलाते थे। यहाँ बैठो। क्यों? अरे बैठो बैठो। आपको ना कुछ समझाने का फायदा ही नहीं होता है, समझते ही नहीं है। मुझे नहीं खाना। पता है। किताब खोलो और अपना मुंह भी खोलो। चलो 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 खोलो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। वो क्या कहा था तुमने? पढ़ाई की पढ़ाई, खाना का खाना। क्या हुआ? सही, अगर तुम्हें मेरा खाना खिलाना अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं खिलाऊंगा मैं। पर प्लीज रो मत। कैसा ये रिश्ता है हमको न समझे, उड़ती पतंग के जैसे मांझे हैं उलझे। एक डोर तुमने थामी, एक थामी हमने। कुछ बदल रहा है बेशक हमने। आज तक सिर्फ आपने इतने प्यार से खाना खिलाया, ऊषा मौसी ने भी कभी कभी खिलाया, लेकिन इतनी देर रात
पढ़ाई करते वक्त सिर्फ आ बने लगती हो मासूम जैसे कोई दुआ ये मेरे दिल में जाने क्या हुआ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय सॉरी सही तुम कमल सर और मुझ में समानताएं ढूंढती रहती हो अगर तुम्हें मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता तो मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मुझे नहीं पता विराट सर मुझे सब अच्छा लग रहा है या नहीं लेकिन हाँ मुझे बुरा भी नहीं लग रहा मुझे भी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना अच्छा लग रहा है गया। सही इतनी मेहनत कर रही हो खा लो चलो विराज क्या हो गया आज अब मुझे क्यों जबरदस्ती खाने खिला रहे हैं तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी सलामती के लिए अपने पैर पर आलता लगाया तो तुम्हारी सलामती का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं फिर नहीं मैंने आलता आपके लिए नहीं आई के लिए लगाया था अच्छा तुमने आलता अपने पति की भलाई के लिए नहीं लगाया था अपने सास के बेटे की भलाई के लिए लगाया था अब आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गए आपके दिमाग में भूसा भर रहा है क्या सही सॉरी सॉरी डर गई थी ना यस शक्ल देखो अपनी आप मेरी टांग खींच रहे थे वही मैं सोचूं कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कि सास के बेटे और मेरे पति अलग अलग हैं दोनों सेम ही तो हैं आप ही तो हैं क्या बात कर रही हो उससे ऐसा नहीं हो सकता सच में हम दोनों सेम हैं सही थैंक यू अगर तुम मुझे नहीं बताती ना तो पता नहीं शायद तुम सही कह रही हो मेरे दिमाग में ना भूसा ही भरा हुआ है ये लो वैसे तुम्हारी अभी ये रिहर्सल ये सब कैसे चल रही है अच्छी चल रही है और अनिकेत की फिर से अनिकेत आप मुझे आज बताई दीजिए आप अनिकेत के बारे में क्या जानना चाहते हैं हाँ उसकी हाइट जानना चाहते हैं ना है ना सही मैंने तो ऐसे ही पूछा था और मैं क्या करूंगा कुछ भी जान के वैसे भी इतना लंबा नहीं हूं क्या कहा आपने लंबा नहीं है मतलब आप उसे मिल लिए क्या ओ मतलब कॉलेज में जो पुलिस आई थी वो आपने भेजी थी क्या हाँ 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 नहीं पुलिस तुम्हारे कॉलेज में मैं भेजूंगा हाइट चेक करने के लिए और कोई काम नहीं है क्या मुझे इसी बात कर रही हूँ सॉरी वो एक्चुअली ना हमारे कॉलेज में पुलिस आई थी
और मैंने देखा भी था उन्हें अनिकेत से बात करते हुए। तुमने देखा? हाँ मैंने देखा, मैंने उनका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो मेरी तरफ पीट करे हुए थे ना। बच गए। क्या बच गए? 11 बज गए, देखो लेट हो गया ना। और वो जो पुलिस वाले जो आए थे ना, वो कॉलेज में, आई थिंक वो कॉलेज में इवेंट्स जो होते हैं उसकी परमिशन चेक करने के लिए आए होंगे, ये सब होता है। शायद परमिशन के लिए आए होंगे। लेकिन फिर लेकिन कुछ नहीं, अभी ये लो खा लो। बहुत सोचती हो तुम, सोचना बंद करो, मुंह खोलो, चलो खाओ खाओ। आ थैंक गॉड, इसे पता नहीं चला कि मैं अनिकेत से मिलने गया था, वरना ये यही प्लेट उठा के मेरे सर पे मार देती।